सरकार पूरी तरह से तत्पर है हर तरह की सहायता के लिए। सरकार की तरफ से मैं आपको पूरा आश्वासन भी देना चाहूँगा, हम लोग हर तरीके से आप सबकी मदद करने को तैयार भी हैं। हमारे दोनों प्रमुख सचिव भी पूरी तरीके से तन्मयता के साथ इस कार्य में लगे रहते हैं। मेडिको आत्मनिर्भरता, धीमे धीमे हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो हम लोग विशेषकर मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, मेरा आप सबसे यही आग्रह है। और एक आग्रह दूसरा मेरा ये भी है, हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है, अभी उत्तर प्रदेश का जो रूरल एरिया है वो अभी मेडिकल उस पर काफ़ी पिछड़ा हुआ है, थोड़ा सा इस तरफ भी हम लोग ध्यान दें। ज़्यादातर जो मेडिकल कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स बन रहे हैं वो शहरों की तरफ बन रहे हैं, मेरे ख्याल से इस तरफ भी अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दें, और रूरल एरिया में पोटेंशियल बहुत है। आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि रूरल एरिया में बाइंग पावर नहीं है। आज के हिंदुस्तान में, आज के उत्तर प्रदेश में रूरल एरिया में भी बाइंग पावर बहुत है। और ये मैं खुद रूरल एरिया से आता हूँ, मैं वहाँ से रिप्रेजेंट भी करता हूँ विधानसभा में। मेरे गाँव में अभी एक 200 बेड का हॉस्पिटल खुला है, और प्राइवेट हॉस्पिटल तो नहीं है लेकिन 15 किलोमीटर जगदीशपुर है, वहाँ पे इस समय 6 हॉस्पिटल्स हैं जगदीशपुर में, और हमारे क्षेत्र का सारा आदमी उन 6 अस्पताल में जाके अपना इलाज कराता है। ये इसको आप बिल्कुल भूल जाइए कि उत्तर प्रदेश के रूरल एरिया में बाइंग पावर नहीं है। अगर आप वहाँ पे कोई हॉस्पिटल खोलेंगे तो निश्चित तौर पे चलेगा, और सरकार की तरफ से जो भी सहायता, जो भी हेल्प होगी उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आप सब यहाँ पर आए उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में एक बार फिर आप सब लोगों से ये निवेदन करूँगा कि मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए आप लोग ज़रूर ध्यान दें, उत्तर प्रदेश इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा श्री ब्रजेश पाठक जी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मेडिकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, टू शेयर हिज व्यूज एंड हिज विजन फॉर द हेल्थ केयर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग को देख रहे हैं हमारे पुराने साथी आदरणीय मनसुख मांडविया जी, हमारे साथ राज्य मंत्री आदरणीय मैकेश्वर शरण सिंह जी, मेदांता जैसे मशहूर चिकित्सालय से जुड़े, मेड सिटी से जुड़े डॉक्टर नरेश त्रेहन जी, डॉक्टर ओम प्रकाश मनचंदा जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आदरणीय आलोक कुमार जी, आदरणीय पार्थसारथी सेन शर्मा जी, आदरणीय सत्यम शिवम सुंदरम जी, आदरणीय संगीता सिंह जी, उपस्थित सभी चिकित्सा जगत से जुड़े भाइयों तथा बहनों, ऑफिसर्स, पत्रकार मित्रों, काफी देर से विचार विमर्श चल रहा है। हम सब उत्तर प्रदेश के हेल्थ सेक्टर में निवेश के बारे में चर्चा करने के लिए आपके बीच में आए हैं। सबसे पहले मैं अपने निवेशकों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि बड़ी संख्या में आपने निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। लगभग 54,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव चिकित्सा विभाग में आए हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में आए हैं, और चिकित्सा शिक्षा में लगभग 17,000 करोड़ के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। मैं सभी निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि आपके हितों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी और हमारी पूरी टीम आपके संपर्क में रहेगी।
लेकिन उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में कुछ बातें आपसे चर्चा करना चाहता हूं। देश में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य होने के नाते हमारे पास बड़ी संख्या में स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार की आवश्यकता है। हम 25 करोड़ लोग हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और इन सभी जगह गांव-गांव तक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। और हम सब जानते हैं कि देश दुनिया के पैमाने पर भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की, भारत के मेडिकल साइंस की बहुत तारीफ हो रही है। दुनिया में यदि आप हार्ट की बाईपास कराते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं अमेरिका में भारत से लगभग 10 गुना से अधिक खर्च होता है। भारत ने उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था में अपनी महारत हासिल की है और उत्तर प्रदेश राज्य इसने अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण ढंग से निभाने के लिए तैयार है। हम सब जानते हैं कि 75 डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। अभी हमारे पास मात्र 14 जिले बचे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की अभी प्रक्रिया कार्रवाई चल रही है। बाकी जगह सब जगह मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ है या चल रहे हैं। हमारे पास आज के दिन में 35 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में है और 30 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम प्रतिबद्धता के साथ शेष बचे जनपदों में पीपी बोर्ड पर मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं और उसमें भारत सरकार भी हमारी पूरी मदद कर रही है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी का बराबर हमें मदद मिलती रहती है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने के कारण बड़ी संख्या में निवेशक आते हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या थी आप सब जानते हैं। चिकित्सक तो दूर की बात है, इवन सिपाही से लेकर कप्तान तक अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सभी लोग डरे हुए सहमे थे, लेकिन मैं अपने चिकित्सा जगत के भाई बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। आप सब निश्चिंत होकर निवेश करें, हर स्थिति में सरकार आपको उचित माहौल प्रदान करेगी। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि अब केंद्र की सरकार ने हमारे 50 बेड के जो हॉस्पिटल्स थे उनको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत ला करके ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा दी है। इसके अलावा हमने हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी संख्या में हॉस्पिटल्स होने के कारण हमने पीपीपी मोड पर भी देने का फैसला किया है, जो अभी 23 जनवरी को हमने एक प्रस्ताव आपके समक्ष रखा है। आप सबको पता है पीपीपी मोड पर हम कुछ हॉस्पिटल देना चाहते हैं ट्रायल के बेस पर। यह सफल हुआ तो पूरे प्रदेश में हम इसको लागू करेंगे। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जनरोग्य आयुष्मान कार्ड है उसमें आप बड़ी संख्या में निवेश करके लाभ उठा सकते हैं। हमारे पास 227 लाख कार्ड धारक है। 227 लाख कार्ड धारक होने के कारण आप हॉस्पिटल्स को इंपेलमेंट करा करके बड़ी संख्या में लाभ उठा सकते हैं। हमारे पास एक मरीजों की उपलब्धता बड़ी संख्या में है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के तहत 1614 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक हम लोग कर चुके हैं। ऐसी ढेर सारी सूचनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों की अस्पताल परिसर में आना जाना लगा रहता है, मेडिकल कॉलेज सहित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या अन्य जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं। एक आंकड़ा रोज का रोज हम लोग मंगाते हैं। हमारे पास लगभग 1,70,000 से 1,60,000, 1,50,000 मरीज लगभग रोज हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में आते हैं। उसमें 12,000 मरीज हमारे पास एक्सीडेंटल होते हैं, गंभीर रोगों से ग्रसित होते हैं और 8,000 मरीज हमारे पास ऐसे होते हैं जो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक या अन्य रोगों से ग्रसित होते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप बड़ी संख्या में निवेश करके हमारी मदद कर सकते हैं और हम आपको चिकित्सीय व्यवस्था के अनुसार जो भी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मदद कर सकती है अवश्य मदद करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हमारी टीम लगातार आपके संपर्क में रहेगी। आप निवेश करें, सुरक्षित निवेश रहेगा, मदद के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहन जी ने जो सुझाव दिए हैं ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। हम जरूर ही कोई प्रपोजल लेकर के आपके समक्ष शीघ्र आएंगे। एक मैं इन्वेस्टर से कहना चाहता हूं, अभी हाल ही में भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने हेल्थ एटीएम लगाने का काम किया है। ज्यादातर जो बीमारियां हमें तब पता चलती हैं जब हम बिल्कुल ही बीमार पड़ जाते हैं। जैसे अगर हमें पता है ब्लड प्रेशर हमारे हो गया है तो अगर हम छोटी दवाई कोई लेते हैं, बहुत सस्ती दवाई होती है, हम बच सकते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर का इलाज न होने के कारण हमको ब्रेन हेमरेज होता है, फिर अकल्पनीय दुख हमें पहुंचता है। तो हम ऐसी छोटी छोटी बीमारियों को तत्काल
जांच करके तफ्तीश करके उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो हम अपने प्राइवेट निवेशकों से कहना चाहते हैं हेल्थ एटीएम लगा करके आप हमारे जो 25,000 सब सेंटर है, उपकेंद्र है, उसमें सब सेंटर के साथ साथ हेल्थ वेलनेस सेंटर भी है, वहां आप हमारे पास हेल्थ एटीएम लगा करके लोगों को सुरक्षित स्वस्थ संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे आने वाली गंभीर रोगों से लोगों को बचाने में हमें मदद मिल पाएगी। ये एक बड़ा क्षेत्र है, आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। अन्य हमारे राज्य मंत्री जी ने कहा कि आप हमारे उपकरणों की मदद भी कर सकते हैं, बनाने में मदद कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए हम पूरी तरह से खुले हाथ से आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों का, प्रबंधन का, सबका मैं आदरणीय मंत्री जी का कि दिल्ली से आकर उन्होंने आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो समय दिया है और अपने जो हमारे विशेष वक्ता थे डॉक्टर त्रेहन साहब और मनचंदा साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। आपके उद्बोधन और भरोसे के लिए कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज हमारे बीच चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर मनसुख मांडविया, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध करूँगा कि वो आकर हम लोगों को उद्बोधन करें और अपना विजन बताएँ और हमें मार्गदर्शन दें। यूपी इन्वेस्टर समिट में आज हमारे बीच में उपस्थित राज्य के यशस्वी और प्रोएक्टिव काम करने वाले राज्य के हेल्थ मिनिस्टर श्री बृजेश पाठक जी, राज्य के हेल्थ विभाग के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, तेहरान जी, ओम प्रकाश जी, पार्थासेन शास्त्री जी,